1955 में रिलीज हुई आजाद निर्माता निर्देशक एसएम नायडू, इस फिल्म को पहले उन्होंने साउथ में बनाया था और वहां हिट होने के बाद वो इसे जल्दी हिंदी में बनाना चाहते थे, जल्दी में थे, इसलिए वो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे जो फटाफट काम कर दे जल्दी। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने नौशाद साहब को अप्रोच किया। नौशाद साहब ने कहा कि वो अपनी दूसरी फिल्मों के म्यूजिक में, दूसरे कमिटमेंट्स में इतने बिजी हैं कि वो बहुत कम समय में गाने नहीं बना सकते और उन्हें कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता है। नायडू साहब निराश थे, उनके पास टाइम नहीं था। इसके बाद एक दिन नायडू साहब की मुलाकात हुई सी रामचंद्र से। वो हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी कई भाषाओं की फिल्मों में म्यूजिक दे चुके थे और उस वक्त उनका नाम भी था। तो जब नायडू साहब ने ये 3 महीने और कम वक्त वाली बात बताई, अर्जेंसी वाली बात बताई, तो सी रामचंद्र ने कहा कि 3 महीने क्या नायडू साहब, मैं आपकी फिल्म का म्यूजिक 1 महीने में पूरा कर दूंगा। नायडू साहब खुश हो गए और आजाद फिल्म का म्यूजिक दे दिया सी रामचंद्र को, और उन्होंने मेरे हिसाब से 1 महीने से कम के टाइम में सारी की सारी कंपोजिशन और पूरे गाने रिकॉर्ड भी कर दिया थे सुपर फास्ट तरीके से। बहुत खूबसूरत गाने, कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है, अपलम चपलम जैसे गीत, सारे गानों की धुनों को सिर्फ 7 दिन के अंदर कंपोज करके फाइनल कर दिया था। 7 दिन के अंदर, 1 महीने की जगह पे 7 दिन। फिल्म बहुत कामयाब रही और फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट। एक फिल्म की वजह से टूट गई मंगनी सगाई अशोक कुमार जी की। अरे रे 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 रे। ये अरे रे रे वाला किस्सा आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।